लाइफ में मुझे बहुत लोग मिले, मतलब फैमिली है, फ्रेंड्स है, लेकिन तुमने जो मेरे लिए किया ना वो किसी ने नहीं किया है यार। ये झूठी हंसी ना मत हंसा करो फिर मेरे सामने, ठीक है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा एक भाई है रावना के नाम से, और उसका एक यूट्यूब चैनल भी है, और वो रैप करता है बेसिकली, और बहुत ही ना गर्दा वाला रैप करता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी सपोर्ट करूँ आप लोग के हेल्प लेकर। तो प्लीज़ आप लोग जाएं, लिंक उसका चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसके गाना को देखिए। और हाल ही फिलहाल में एक उसका पागल गाना था यार, तहलका मचा दिया था। तो प्लीज़ जाएं, क्योंकि बंदा यार मेहनत कर रहा है बहुत ही पॉजिटिव वे में। तो जाएं, आप लोग की बस की सपोर्ट और दुआ की ज़रूरत है। बंदा अगर कोई भी मेहनत करता है यार, हम हो या आप हो, तो सपोर्ट करना चाहिए ना। तो जाएं जल्दी, उसे सपोर्ट करें, उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके वीडियोस को देखें। अगर अच्छा लगा ना तो भर भर कर शेयर करें। थैंक यू। तो मैं गणेश खान और स्वागत है मेरी इस वीडियो में। दरअसल ये देख रहे हैं नया लोकेशन है, नया जगह है, और ये है पटना फूडी क्लब। जी हाँ दोस्तों, और मुझे यहाँ पे एक पार्टी मिलने वाली है। पूरा रीज़न बताता हूँ। दरअसल एक मेरी फ्रेंड है, जेनी नाम है उसका, और बहुत दिनों पहले मैंने उसके साथ वीडियो बनाया था, एक दो वीडियो आई थिंक बना था। और उसका शौक था, उसका मन था, दिल था एक्टिंग लाइन में, मॉडलिंग लाइन में जाने का। बट हुआ क्या था कि उसके पेरेंट्स अलाउ कर नहीं रहे थे इस फील्ड में आने का। उसके पेरेंट्स ऐसे समझ रहे थे कि इस फील्ड में ना बहुत ही ज़्यादा गंदगी भरी हुई है, और वो घर जाके बैठी हुई थी। तो मैंने उसके पेरेंट्स से बात किया, अंकल आंटी से बात किया कि अंकल आंटी ऐसी बात नहीं है, हर जगह गंदगी नहीं है। मैंने अपने रिक्स पे उसे बुलाया दोबारा पटना, और वो अब काम करना धीरे धीरे शुरू कर चुकी है, उसे काम के मिलना शुरू हो चुका है। तो वही बोली कि दानिश मुझे तुमको पार्टी देना है पटना फूडी क्लब में, तुम आओ, इतने बजे टाइमिंग है। तो मैं उससे पहले आकर यहाँ के सारे मैनेजर से बात बात कर लिया, और कि एक छोटा सा यार वीडियो बनाना है, छोटा सा प्रैंक करना है आप लोगों के लिए, प्रैंक करना है। तो वो आती ही होगी, और कहाँ तक पहुँची है मैं अभी बात कर लेता हूँ, और उससे पहले मेरा सारा इंतजाम लगा हुआ है, देखते हैं। हेलो। हाँ जी, नहीं कहाँ हूँ? अरे मैं तो बस कैब में हूँ, तुम कहाँ हो? यहाँ कैफे पहुँच चुके हैं। अच्छा पहुँच चुके हो? हाँ यार बड़ी जल्दी पहुँच गए तुम तो। तुम्हारी याद है मैं। ओके ओके वेट करो, मैं अभी 10 मिनट तक पहुँच जाऊँगी। ठीक है, आ जाओ जल्दी। हेलो मिस मोटल, क्या हाल चाल? बढ़िया, तुम बताओ कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। कोई सूट नहीं था, भूख बहुत हार्ड लगा था, तुमसे खर्चा करवाना था। जबरदस्त बोला। पहली बार तू पार्टी देने के लिए खुद से बुलाई है कमीनी। पहली बार? हाँ तो पहली बार पार्टी देने के लिए। पार्टी कौन को देता है? बस हो, दिल होता है अपना। मैंने तो मूवी नहीं दिया। लॉकडाउन चल रहा था ना, इस कारण से नहीं दिया। लॉकडाउन चल रहा था। हाँ तो बस सोचे कि पार्टी आज जेनी दे रही, आज जाके भरपूर खाएंगे एकदम दबा के एकदम। तो तब से बैठ के कुछ खाया क्यों नहीं? पैसा कौन देता तुम्हारा? पेमेंट मैं कर देती ना। ठीक है अब तो ऑर्डर कर दो। ऑर्डर करो भैया एक बार। क्या खाओगी, क्या खिलाएगी? क्या खाना, ऑर्डर तो करो। चलेगा अपने को तो कुछ भी चलेगा, भूखा पेट में जो भी जाए सब चलेगा। वैसे पता है काम कैसे चल रहा है तुम्हारा अभी? काम तो अच्छा चल रहा है यार, वैसे तुम्हारे लिए सरप्राइज है। बोलो यार, अच्छा बात है। ये मैं मतलब मेरी फर्स्ट सैलरी है, और लाइक तुम मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो ये एक छोटा सा गिफ्ट मेरे लिए। तो देखो ना सही क्या है इसमें। मैंने ब्लैक पहना है, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी ब्लैक ले लूं कुछ। देखना पागल, फर्स्ट सैलरी तो मम्मी पापा के लिए कुछ लिया यार, वो तो ले लूंगी ना, लेकिन क्या है ना। रख दीजिएगा, फर्स्ट सैलरी है तो कुछ मम्मी पापा के लिए वो मैंने ले लिया है। अब तो घर जाऊंगी तब भी दूंगी ना कुछ भी, ये तुम रख दो। क्या है इसमें? देखो नहीं। पसंद आया? बोलो ना पसंद आया। इतना महंगा क्या जरूरत है लेने का यार, तुम्हारे सामने क्या महंगा यार, छोटा सा गिफ्ट है, पहन के दिखाओ ना। पागल हो गई है क्या? प्लीज 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 ऊपर से डालो ना प्लीज, ठीक अच्छा लगेगा यार।
मतलब लिटरली साइज क्या ली थी? साइज मेरे को पता नहीं, एक तुम्हारे जितना ही था। मैंने बोला भाई भैया अपने साइज का दे दो पहनो ना यार। तुमने जो किया है ना यार, उसके सामने इतना छोटा सा है, पहनो ना। और यहाँ पे पहने पागल, बहुत सारे लोग देखेंगे। ऊपर से डाल लो, कोई भी नहीं आस पास, पहनो ना। पूरा फिट हो गया, कहाँ से लेकर आई है यार? पसंद आया तुम्हें? बहुत सेक्सी, ब्लैक ब्लैक, मैचिंग मैचिंग लाइन मार रही है। हाँ। सही लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब तो पहन ही रहेंगे, अब तो पहन ही रहेंगे पूरा। यार आज तुम नहीं होते तो पता नहीं, हम नहीं होते तो पता नहीं, होती भी नहीं तुम्हारे सामने। ऐसा एकदम नहीं है, रोटी बेल रही होती शांति हो गई। सच बता तो ऐसा एकदम कुछ नहीं है, समझी ना। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम अपने टैलेंट से ये की हो, और इतना महंगा तुम अपने टैलेंट का ही खरीदी हो। सच बताया तो ये बीइंग ह्यूमन का आज तक हम नहीं पहने थे कपड़ा। अब क्या हुआ, खुश हो जाओ, अच्छा काम कर रही हो, पैसा कमा रही हो, गिफ्ट दे रही हो हम जैसे निठल्ले को। यार पता है सच में, मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि अगर तुम नहीं होते तो क्या। तुम नहीं होते, तुम नहीं होते मत करो। तुम मतलब यार लाइफ में मुझे बहुत लोग मिले, मतलब फैमिली है, फ्रेंड्स है, लेकिन तुमने जो मेरे लिए किया ना वो किसी ने नहीं किया है। अब रो क्यों रही हो? नहीं रो क्यों रही, हमको ये बताओ अभी। पागल चुप, नहीं पागल कुछ नहीं यार, बहुत सेक्सी लग रहे हो। अच्छा यार लड़का है भाई, स्मार्ट बोल दो, हैंडसम बोल दो, सेक्सी बोले, लड़की वाला बात बोल रही है। सच में बहुत सेक्सी लग, सुनो ना पिक्चर्स ले तो। अरे ये क्या है तुम्हारा टैग? तू ही ना थी यार। क्या सोच रही है सेकंड को? मैं तो उड़ देती हूँ। ये रहो। टैग को भी संभाल के रखना ठीक है? अच्छा सुनो ना। बोलो। मेरे पास तुम्हारे लिए कॉल सरप्राइज है। अब क्या है जी? रुको। हाँ। अभी मत खाओ। क्यों? आग बंद कर लो पहले। अब क्या है? यार है कुछ। पागल हम क्या है? आग तो बंद करो। नाटक मत करो। हद है यार इसका। आग बंद करो। चीटिंग नहीं करना ठीक है? नहीं चीटिंग नहीं करना सही है। चलो अपना हाथ आगे करो। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच दानिश। क्यों? सॉरी मेरे लाइफ में ना इसकी अहमियत नहीं है, सॉरी। तुम पागल हो क्या? इधर आओ। सॉरी यार नहीं ले सकता मैं उसको। यार तुम मुझे ना चिढ़ है यार, मुझे चिढ़ है उस चीज से। यार तुम सेंटी क्यों हो रहे हो यार? सेंटी नहीं हो रहा है मैं, सॉरी नहीं ले सकता। दानिश तुम इन सब चीजों से बाहर निकलो यार, कब तक उसके पीछे सैंटी होते रहोगे यार? कौन उसके पीछे जा रहा है? मैं किसी के पीछे यार नहीं। वो तो बहुत खुश है अपने लाइफ में। मैं भी खुश हूँ। मैं अपने लाइफ में देख रहा है तुम कितने खुश हो। मैं खुश हूँ अपने लाइफ में यार, मतलब उसके अलावा मतलब हम लोग की तो कुछ अहमियत ही नहीं है यार तुम्हारे लाइफ में। यार ये झूठी हंसी ना मत हंसा करो फिर मेरे सामने ठीक है? ये शर्ट दी ना अच्छा है, थैंक यू सो मच, बट ये नहीं ले सकते यार। दानिश मैं आज बेस्ट फ्रेंड दे रही हूँ यार, अगर तुम नहीं होते ना यार। एक बात बताओ मेरी कंडीशन क्या थी यार? बस और बस मैंने तुमसे शेयर करा था, किसी से भी नहीं करा, और आज देखो यार मैं इतने खुश हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ठीक है? तो यार जब बेस्ट फ्रेंड रख लो, अगर नहीं लिया ना तो फिर पक्का मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी आज के बाद। लो
देवदास बनके घूमते रहते यार। कोई देवदास नहीं है, ठीक है। दानी से इन सब से बाहर निकलो, ठीक है, खुश रहा करो। खुश से तुम क्या खुश हो यार, दिख रहा है। पता है इस चीज़ के ना मेरी लाइफ में पहले बहुत ही अहमियत होती थी, बट अब कुछ नहीं है यार। मेरी अहमियत है? एक बात बोले क्या, यहाँ आने से पहले ना, तुम्हारे आने से पहले यहाँ पे हम कैमरा लगा कर रखे हुए। कैमरा? तुम्हारे ऊपर एक प्रैंक करेंगे यार। तुम ना कभी नहीं सुनोगे, तुम सच में बहुत हरामी बना दे। कहाँ है, कहाँ लगा दिया यार? हाँ छोड़ो, कहीं लगा हुआ है, बट थैंक यू सो मच। अब लाओ मेरा रोज वापस करो। थैंक यू यार, मुझे इस काबिल समझने के लिए यार कि थैंक यू।